पिता अपने हर चुनावी अभियान में दलित उत्थान का वादा करते हैं, लेकिन दलितों की सामान्य स्थिति कभी नहीं सुधरती। और जब ये नेता चुनाव हार जाते हैं या इन पर कोई कानूनी मुकदमा चलता है, तो यही नेता हमेशा एक ही तर्क का सहारा लेते हैं कि दलित होने की वजह से उनके खिलाफ साजिश हो रही है, दलित होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। देश में दलितों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत सबसे पहले समाज सुधारक जिनकी बात उन्हें और महात्मा गांधी होती है। लेकिन देश में दलित राजनीति की नींव संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखी। वर्ष 1936 में भीमराव अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। उन्होंने इस पार्टी के माध्यम से दलितों को संगठित करने की कोशिश की थी। वो चाहते थे कि सारे दलित एक साथ आ जाएं इकट्ठे। लेकिन वर्ष 1956 में भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु के बाद दलित आंदोलन और दलित राजनीति समाप्त हो गई और हमारे देश में दलितों के वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस के हिस्से में चला गया। इंदिरा गांधी ने दलित नेता जगजीवन राम को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था और इसे इंदिरा गांधी की दलित राजनीति का मास्टर स्कोर इस समय माना गया था। लेकिन इसके बाद भी दलितों को राजनीति में उनकी असली हिस्सेदारी कभी नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर पार्टियों में उन्हें सदनों के नेतृत्व में ही काम करना पड़ता था और वो सिर्फ यस मैन बनकर रह गए। इसके बाद दलित राजनीति में सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव काशीराम ने किया। काशीराम ने दलित राजनीति पर एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी थी जिसका नाम था चमचा इंच। काशीराम ने ऐसे दलित नेताओं को चमचा कहकर संबोधित किया था जो हर बात पर यस मैन बनकर व्यवस्था का हिस्सा बन जाते थे। काशीराम ने एक बड़ा राजनीतिक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। काशीराम ने वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। करीब 10 वर्षों के राजनीतिक संघर्ष के बाद काशीराम की मेहनत की वजह से दलित राजनीति का स्वर्णकाल आया और बहुजन समाज पार्टी ने कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा किया। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन इससे भी दलितों की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दलित नेता लगातार हर साल दौलत बंद होते चले, लेकिन जमीन स्तर पर दलितों की सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया और आज भी नहीं। हमारे देश में पिछड़े यानी ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं की भी संख्या बहुत बड़ी है। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार ने भी पिछड़े वर्ग के साथ दलित वर्ग के उत्थान का मुद्दा उठाया। लेकिन इतने सारे बड़े बड़े नेता मिलकर भी दलितों के कष्ट कभी दूर नहीं कर सके, हालांकि इन नेताओं की किस्मत जरूर बदल गई। इसकी वजह यह है कि दलितों के नाम पर वोट लेने वाली पार्टियों ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने वाले दलित आज भी उसी झुंडी में रहते हैं। सत्ता में पहुंचने के बाद नेता भ्रष्टाचार में डूब गए और सत्ता के नीचे में चूर और दलित उत्थान का मुद्दा कभी पीछे छूट गया और ये मुद्दा सिर्फ चुनाव से पहले भी साथ हुआ। और आपने ये भी देखा होगा कि आजकल दलितों के घर में भोजन करना एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैशन बन गया। टीवी कैमरों के साथ दलितों के घर पर खाना खाने की परंपरा की शुरुआत राजनीतिक शुरुआत हुई ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने की। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सेहत को सुधारने के लिए राहुल गांधी ने खाना खाने की शुरुआत की थी और इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। राहुल गांधी आपको याद होगा कई बार दलितों के घर जाते थे, खाना खाते थे, रात भी होते थे। इसके बाद देश में दलितों के घर जाकर भोजन करने को चुनाव प्रचार का एक हिस्सा बना दिया। हमारा ये मानना है कि टूटी फूटी झोपड़ियों और कच्चे मकानों में जमीन पर बैठने से और सिर्फ दिखावे के लिए एक दिन दलितों के घर पर भोजन करने से दलितों का उत्थान कभी नहीं होगा। दलितों का उत्थान तब होगा जब वो भी समाज में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और बड़े बड़े नेता दलितों को अपने घर बुलाकर मेहमान की तरह स्वागत करेंगे और अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठाकर उनके साथ खाना खाएंगे। आपने देखा होगा कि ऐसी तस्वीरें अक्सर तब सामने आती हैं जब कहीं ना कहीं चुनाव होता है।
चुनाव के वक्त दलित राजनीति का मौसम सबसे सुहावना होता है। हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो दलित और आरक्षण के मुद्दे पर समाज में खूब उत्तेजना फैलाई जाती है। देश में संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के नाम का राजनीतिक किया जाता है, लेकिन अम्बेडकर के विचारों और उनके जीवन के संघर्ष को हमेशा भुला दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि आज भी हमारे देश जो लोग भीमराव अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं उन्हें भी शायद ये नहीं पता होगा कि आरक्षण को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के विचार क्या थे और उनका खुद का जीवन कैसा था। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है कि लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर आरक्षण को राजनीति करते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में हर कामयाबी आरक्षण से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और योग्यता से हासिल की। आज हम आपको ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पहुंचे हैं जहाँ भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई की। आपको वाकई बता दें आज भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन नहीं है और ना ही आज कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उनके जीवन का कोई ना कोई कनेक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ भीमराव अम्बेडकर के बारे में उसी दिन बात की जाती है या तो जिस दिन उनकी पुण्यतिथि हो या फिर जिस दिन उनका जन्मदिवस हो। बाकी पूरे साल लोग उन्हें भूल जाते हैं या फिर चुनाव प्रचार के दौरान उनका इस्तेमाल करते हैं। अम्बेडकर अपने ज्ञान की वजह से ही भारत की राजनीति में सूर्य की तरह चमके थे। आरक्षण की वजह से अपने लंदन में उस जगह से गाँव में बोली की है जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करीब 4 वर्ष तक रहे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने के लिए अम्बेडकर अपने घर से हर रोज कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलते थे क्योंकि उनके पास पैसे। ये वो दौर था जब भारत के बड़े बड़े रईस अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजा करते थे विदेश में। इन रईसों के पास हर दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने एक बेहद गरीब परिवार में जन्म लिया था। उन्हें बचपन से ही छुआछूत का सामना करना पड़ा था।